दोस्तों आज हम सैंपल लेने वाले हैं KFT, LFT, यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन, इसके लिए। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाले जैसा कि जब भी मैं कोई भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। आइए हम जानते हैं कि सैंपल लेने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले सैंपल लेने के लिए ट्विनी किट होना चाहिए, फिर कॉटन होना चाहिए वो भी स्टरलाइन, उसके बाद नीडिल होना चाहिए और सिरिंज होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्विनी किट की सहायता से बांध लेंगे कहाँ से हमको ब्लड लेना होता है उसके नज़दीक। हो गया, मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांधने के लिए बोलेंगे, उसके बाद हम कॉटन से साफ कर लेंगे। कॉटन से साफ कर लेंगे, वैसे नहीं बना तू, ऐसे यहाँ देखा तू देखा। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे कॉटन की सहायता से। साफ कर लिए, साफ करने के बाद हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करेंगे और सैंपल लेंगे। इंजेक्शन को हम इंजेक्ट करेंगे और सैंपल लेंगे। इस प्रकार से खोलिए, एक एम एल देखो तक कहाँ तक, एक करने लिखा नहीं रही बस। यहाँ देखिए हम जो है वह जो ब्लड है हम कलेक्ट कर लिए हैं और इसको यहाँ देखिए खींच लिए हैं। कितने के बाद फिर जहाँ पे हम बिक किए हैं उसको कॉटन से हटा लेंगे और पेशेंट को स्पॉन्ज खाने के लिए बोल देंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्पॉन्ज के पैसा ले जो सैंपल लिए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे, जो मेरा REF है तो हम इसमें हम डाल देते हैं। तो देखिए इस तरीका से डालना है और डाल करके यहाँ रख देना है। रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, पानी लाता देखो इस तरीके से अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरीका से मिला के और इसको फ्रीजिंग में रख देना है या जहाँ पे इसको रखा जाता है वहाँ पे इसको रख लेना है। ठीक है, बंद।